प्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं अरबी के पत्तों का रिकवच बनाने वाली हूँ। हम रिकवच को पतौड़े भी बोलते हैं, पात्रा भी बोलते हैं, या अरबी के पकोड़े भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद। इसके लिए मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं, मीडियम साइज़ के पत्ते हैं, और कुछ छोटे पत्ते ले लिए हैं, और इसे अच्छे तरह से धो लिए हैं, और इसके डंठल हम काट लेंगे चाकू की सहायता से। इस तरह से इसके डंठल जब काटेंगे तो इसमें से इस तरह से रेशे निकलेंगे जो हम इसको निकाल लेंगे। तो मीडियम साइज के पत्ते हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा रेशे नहीं है, आसानी से निकल जा रहे हैं, और कम रेशे हैं इसमें, और रेशे निकालना ज़रूरी है, नहीं तो बनने के बाद ये मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा बड़े पत्ता यूज़ करते हैं तो उसमें रेशे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम रेशे निकाल लेते हैं अच्छी तरह से, तभी हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मसाले इस प्रकार लिए हैं मैंने। इसमें 4 हरी मिर्च है तीखी वाली, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 10 कलियां लहसुन ले लिए हैं, इसके छिलके निकाल लिए हैं, और 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च साबुत है, और 1 चम्मच इसमें आम का अचार है। चाहे तो हम इसके जगह नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, या अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 चम्मच इसमें हम सरसों दाना डाल दिए, चाहे तो हम सरसों दाना को अवॉइड कर सकते हैं, और 3 चम्मच इसमें हम चावल डाल दिए। चावल को भीगी हुई चावल है, फूल गया है, 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डालकर फुला लिए थे, और इसका एक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें जो सरसों हम डाले हैं इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा, और इसमें हींग डाल देते हैं 2 चुटकी, और 3 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। हल्दी पाउडर इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और इसे मिला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसका गाढ़ा घोल ही तैयार करना है, और इसमें 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और एक बर्तन के ऊपर हम पत्तों को रख देंगे। सबसे नीचे हम बड़ा पत्ता रखेंगे, और इस तरह से पेस्ट हम चारों तरफ से फैला लेंगे। पेस्ट बहुत पतला होने से अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस तरह से गाढ़ा पेस्ट तैयार किए हैं, और दूसरे पत्तों को भी इसके ऊपर रख देंगे, और इस तरह से पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट हम अच्छा से लगाएंगे चारों तरफ ताकि ये चिपक जाए। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसे हम दाल चावल के साथ, किसी चीज रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर हम छोटे पत्ते जो लिए थे वो भी रख देंगे, और इसके ऊपर पेस्ट लगा देंगे। बहुत नरम पत्ते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें जो सरसों और अदरक लहसुन और जो चावल का पेस्ट हम तैयार किए हैं अचार डालकर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसके मसाले बहुत ही टेस्टी बने हैं। इस तरह से इसके किनारे मोड़ देंगे और रोल करेंगे, और थोड़ा इसमें पेस्ट लगा लेंगे ताकि किनारा ना खुले, तब हम इस तरह से दबाते हुए इसको रोल करेंगे हम। चाहे तो हम धागे से भी बांध सकते हैं, किनारों पे थोड़ा पेस्ट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। ऐसे ही हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। और 2 रोल तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी रख दिए हैं, और इसको बॉईल करेंगे। जब बॉईल आ जाए तब हम इसमें जाली वाला बर्तन रखेंगे, और दोनों रोल को रख देंगे स्टीम होने के लिए, और इसे ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढक देंगे, और 10-12 मिनट के बाद ये अच्छा तरह से स्टीम हो जाएगा, और ये अच्छा पक चुका है, और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम रोल को काटेंगे। कितना अच्छा ही कट रहा है, ठंडा हो गया है तो गर्म काटेंगे तो अच्छा से नहीं कटेगा। इस तरह से हम पतला या मोटा हम काट सकते हैं। अब हम रिकवच को फ्राई करेंगे।
पैन में सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। कटे हुए रिकवच को हम इस तरह से पैन में डाल करके इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चाहे तो हम इसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, और जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तब हम इसे उलट देंगे। उलट पुलट कर हम ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत अच्छा से हो गया है, अब इसे हम सर्व करते हैं। अब बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। रिक्वच की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।